प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 यानी 20 अगस्त 2017 का 9 AM यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं इस क्लास में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो पांसे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बराबर होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानी एनी अपॉन एनएस। तो सबसे पहले तो हम टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होंगे कि अगर दो पांसे एक साथ फेंके जाए या एक पांसे को दो बार फेंका जाए, तो पांसे में 6 फलक होते हैं। अगर उसको दो पांसे एक साथ फेंके जाते हैं तो हम इसकी पावर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो 6 की पावर 2 यानी 6 × 36। तो इसमें टोटल जो है कितना हो जाएगा? टोटल तो हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, यानी एनएस बराबर हमारा 36 हो गया। अब हमें एनी और निकालना है। तो एनी के लिए यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए वो कह रहा है कि कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना कैसे होगी। तो 10 या अधिक नंबर आने की संभावना क्या होगी? या तो ऐसा हो सकता है कि पहले पांसे में 4 आए दूसरे में 6 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पांसे में 6 आए और दूसरे में 4 आ जाए, यानी इसमें 4 इसमें 6 या इसमें 6 इसमें 4, तो टोटल 10 हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में 5 आए और दूसरे में 5 आए, तो 5 और 5 10 हो गया। अब 10 से अधिक में क्या हो सकता है कि पहले वाले में 5 आए दूसरे में 6 आए, तब भी 5 6 11 हो गया, यानी 10 से अधिक हो गया। पहले में 6 आए दूसरे में 5 आए, तो 6 5 11 यानी ये भी 10 से अधिक हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में 6 आए और दूसरे में 6 आए यानी 6 6 12, तो ये भी 10 से अधिक हो गया। तो कितनी संभावनाएं बनी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने हो गए? 6। तो हमारा एनी कितना हो गया? 6 हो गया, और बटे में 36 है। कुल कितना है? 36 है। तो 36 तो इसको काट दीजिए, 6 × 6 6 × 36 यानी आंसर आ गया 1/6, और हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इसमें x माइनस y का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के अपन आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि x माइनस y का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व इससे। तो सबसे पहले तो हम x इसको मान लेंगे और y इसको मान लेंगे, तो x का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y का स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 का वर्ग कर दिया अपन ने। माइनस 2xy यानी माइनस करके इन दोनों के गुणा का दुगना, तो 2 × और x की वैल्यू कितनी है? √3, और y की वैल्यू कितनी है? 1/√3, तो इसको लिख देंगे। अब ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये हो गया 1/3, और माइनस 2 × 2 यानी ये 2 ही आ गए। अब 3 में से 2 गए तो बचा 1, और प्लस 1/3, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 और 1 = 4 यानी 4/3, तो 4/3 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है? वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें, एलजेब्रा से कर लेते हैं इसको, तो मान लेते हैं कि पिता की आयु और पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं। तो माना कि पिता की आयु एक्स है और पुत्र की आयु वाई है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पहला रिलेशन क्या कह रहा है वो, कि पिता की वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र की आयु कितनी थी? 2y, और इसकी 3 गुनी हो गई 3y, यानी ये हो गई पिता की आयु। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो एक तो ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? वो कह रहा है कि 15 वर्षों बाद, तो अब देखें आकर अपन, तो 15 वर्ष बाद क्या होगा? 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या सिचुएशन होगी? 15 वर्ष बाद में जो पिता की उम्र है वो 15 साल बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 15। इसी प्रकार पुत्र की उम्र भी 15 साल बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी वाई प्लस 15। ठीक है, अब इनमें क्या रिलेशन बता रहा है वो? वो कह रहा है कि 15 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी 15 साल बाद जो पिता की आयु है, पिता की आयु 15 साल बाद कितनी है? एक्स प्लस 15, और ये पुत्र की आयु यानी वाई प्लस 15 इसकी दुगनी हो गई 15 साल बाद। तो ये अब देखिए, अब इसमें इक्वेशन बनानी है, सो ये दुगनी है, तो हम क्या करेंगे? इस साइड में 2 से गुणा करेंगे टू गेट द इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन को बराबर करने के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दुगना है इस साइड में, तो इस साइड में हम 2 से गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे
एक्स की हम वैल्यू रख सकते हैं 3y, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम 3y रख दें तो 3y और प्लस 15, ठीक है, 3y प्लस 15 बराबर, अब इसको गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो गया 2y और प्लस 15 दूनी 30, ठीक है, 2y को इधर ट्रांसपोज कर दो तो 3y में से 2y माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू 30, तो ये यहीं था और 15 को इस साइड में शिफ्ट किया तो ये माइनस का हो गया, तो y 3y में से 2y गया तो क्या बचा y, तो y इज इक्वल टू 15, यानी ये आ गई पुत्र की आयु, लेकिन हमसे पूछा गया है पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी थी, 3 गुनी थी उससे, तो पिता की आयु यानी x निकालना है हमें, तो x बराबर 3y, ये था ना 3 × y, तो y की वैल्यू कितनी है 15, तो 3 × 15 यानी 45 वर्ष, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो 45 वर्ष आ गया, तो इस तरह से 45 वर्ष आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने, अब देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है, वो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और दाहिनी ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर और चलता है, और तो उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो इसमें अगर हम देखें ये डायरेक्शन है, ये वेस्ट ईस्ट और ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ है और ये वेस्ट ईस्ट है। तो अब वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, इस बात को समझना जरा ध्यान से, इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा, तो उत्तर की ओर मतलब इस तरफ चल रहा, तो इस तरफ मान लो 4 किलोमीटर चला और यहाँ पहुँच गया ये व्यक्ति, ठीक है, अब ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, अब वो कह रहा उसके बाद में वो दाहिनी ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ रहा है, दाहिनी ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चल रहा है, यानी दाहिनी ओर मुड़ करके इस तरफ जो है ये 3 किलोमीटर चल गया, तो यहाँ पहुँच गया। तो अब वो कह रहा है कि उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं, आरंभिक बिंदु ये रहा और अंतिम बिंदु ये रहा, तो इनके जो है न्यूनतम दूरी पूछ रहा, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा इस तरह से, तो इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअली ये बन जाएगी इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब ये देखो तो ये समकोण बन गया, वैसे देखें अगर तो ये क्या बन गया, समकोण बन गया, तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, और यहां से यहां तक कितना चला था वो 4 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक चला था 4 किलोमीटर, और इधर दाहिनी तरफ कितना चला वो 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला। तो अब इसमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दीजिए या ट्रिपलेट लगा दीजिए, तो ट्रिपलेट से 3, 4, 5 यानी ये उत्तर आ जाएगा इसका 5 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट का नहीं पता है तो आपको विकर्ण ये पता है, और विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, तो यहां पे दूरी जो है निकाल लेंगे अपन, न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहां पे दूरी बराबर, दूरी क्या है यहां पे विकर्ण है, और विकर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और धन 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर और ये दूरी का स्क्वायर होगा, विकर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो दूरी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोटेनस यानी विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, दूरी यानी हाइपोटेनस है तो हमने दूरी का स्क्वायर लिख दिया, और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आएगा, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर 16 और 9 25, तो अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 25 यानी 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, वैसे अगर आपको ट्रिपलेट याद होती तो 3, 4, 5 की ट्रिपलेट होती है, तो आप डायरेक्ट ही बिना समय गंवाए यहाँ पे 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है कि मेबेल ने क्रमशः 3 और 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2.5 अमेरिकी डॉलर मैं 2 किस्म की पाव खरीदे हैं। तो अब देखिए मेविल ने क्या किया है, अनुपात इसका लिख लेते हैं, तो अनुपात कितना है इसका, पहले तो हम अनुपात लिख लेते हैं इसका, तो इसका अनुपात है 3:2, 3:2, अब 3:2 है, अब इसको एक चीज अपन समझ लें कि 3:2 है यानी पहली वाली जो जो पाव है वो 2 के हिसाब से है, 2 रुपए के हिसाब से, 2 डॉलर के हिसाब से, और दूसरी वाली पाव 1.5 डॉलर के हिसाब से है, तो इसका मतलब अगर हम इनका टोटल कॉस्ट निकालेंगे और हमें निकालना क्या है, प्रति दर्जन में निकालना है, क्या दर्जन में निकालना है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो इसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, देखिए 3 गुणा और एक दर्जन का हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा ये रेट कितना है इसका 2 अमेरिकी डॉलर, तो इंटू 2, तो इससे तो आ जाएगा इसका, तो ये 12 36 × 72 यानी ये तो आ गया 72, ठीक है, और इसी प्रकार से हम इसका निकाल लें, तो इसका कैसे निकालेंगे, 2 गुणा दर्जन के लिए 12 लगाएंगे और रेट कितना है इसका 1.5 अमेरिकी डॉलर, तो 1.5 अमेरिकी डॉलर, तो 1.5 × 3 और 12 36, तो ये हो गया कितना
36, यानी ये आ गया 72 और 36 का आ गया। तो अब 72 और 36 को अगर हम देखें तो देखिए 72 और 36 को अगर हम टोटल करेंगे तो 6 और 2 8 और 7 और 3 10, यानी 108 हो गया। अब देखो 108 तो हो गया, लेकिन इसमें हुआ क्या, देखिए ये तो हमारे तीन दर्जन का भाव लगा दिया हमने, 3 × 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये तीन दर्जन हो गए, और यहाँ पे हमने 2 × 12 किया मतलब ये दो दर्जन हो गए, तो टोटल ये पांच दर्जन की सीपी आ गई। कितने की? पांच दर्जन की। अब अगर हम एक दर्जन की निकालना है तो अपॉन में 5 करना पड़ेगा, यानी सीपी ये हमारी आ गई पर डजन, ये क्या आ गई हमारी सीपी आ गई, पर डजन आ गई, ठीक है। तो 108/5 आ गई ये सीपी आ गई। अब हम देखें कि वो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना है, तो थोड़ा सा इसको समझ लें। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 25/100, और 25/100 को जब हम काटेंगे तो 25 × 25, 25 × 100, यानी क्या हुआ कि 4/1 लाभ हो रहा है, 4/1 लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर सीपी जो है 4 है, सीपी अगर 4 है तो इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 4/1 = 5, ठीक है। तो अब इसी बेस पर निकाल लीजिए कि जब सीपी 4 है, यहां पे लिखेंगे जब सीपी कितना है, सीपी बराबर है 4, ठीक है, तब एसपी कितना है, एसपी है कितना, एसपी बराबर 5 है। तो जब सीपी बराबर कितना है, अब इसी को लिख लेते हैं, जब सीपी बराबर कितना आया था हमारा एक्चुअल 108/5, तो जब सीपी बराबर 108/5 है तब इसका एसपी कितना होगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एसपी बराबर कितना होगा, तो देखिए ये 5 ऊपर रहेगा, बटे में ये 4 चला जाएगा, और गुणा में यहाँ पे आ जाएगा 108/5। एक एक नियम से लगाएंगे इसको तो 108/5 इस तरह से आ गया। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, और 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28, यानी 27 अमेरिकी डॉलर इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा ध्यान से। एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। तो मान लीजिए चोर, सपोज करो कि चोर यहाँ पे था, ये चोर था यहाँ पे, इसने ये कार चुराई और कार चुराने के बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है चला, ये कार को चलाता है, और चोरी का पता 11 बजे चलता है, तो 11 बजे 10 बजे से 11 बजे तक 60 किलोमीटर चल लेगा, तो मतलब यहाँ पहुँच जाएगा ये चोर कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पे पहुँच गया। अब 11 बजे पता चला मालिक को, और मालिक एक अन्य कार से रवाना हुआ। अब मालिक यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे उसको पता चला, देखिए कार की चोरी हुई 10 बजे, मालिक को पता चला 11 बजे, तो वो 11 बजे यहाँ से अपनी कार उठा के और फिर भागता है चोर के पीछे, और जो है वो क्या करता है कि 12:30 बजे उसको पकड़ना है चोर को। मतलब अगर वो 12:30 बजे पकड़ना है, मतलब कहीं तो भी यहाँ पे 12:30 बजे यहाँ तक क्या होगा कि देखिए ये एक घंटा तो 10 से 11 के बीच में ये 60 किलोमीटर यहाँ चल चुका था ऑलरेडी चोर, ठीक है। उसके बाद उसे 11 से 12:30 मतलब 1.5 घंटा और मिला, तो 1.5 घंटे में वो 90 किलोमीटर और चल लेगा। तो 90 किलोमीटर यहाँ पे और चलेगा, यानी ये 90 + 60, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, देखिए ये 90 हैं और ये 60 है, अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये 150 किलोमीटर चल जाएगा चोर, यानी 150 किलोमीटर पे पकड़ना है इसको, तो 11 बजे से लेके और 12:30 यानी 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर पकड़ना है। देखिए अब इसको समझिए आप, 1.5 घंटा है मालिक के पास, तो 1.5 घंटे में उसे कितना चलना है, 150 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, 150 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि किस चाल से चलेगा, यानी प्रति घंटे की चाल बतानी है। तो जब 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर चलना है तो 1 घंटे में उसको कितना चलना होगा, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलना होगा, क्योंकि इसमें ड्योड़ा जो ड्योड़ा है 150 है, तो इसका सिंपल जो है 100 हो गया। तो 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर, यानी उसको 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ेगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा KMPH, ठीक है, इस रफ्तार से चलना पड़ेगा, तब जाके वो चोर को यहाँ पे पकड़ पाएगा। तो ये ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए अब इसमें देखिए एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। अब 3/5 अगर टैंक भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे अगर मान लें कि ये एक टैंक है, ठीक है, और ये 3/5 भरा हुआ है टैंक, ठीक है, 3/5 भरा हुआ है, तो इसमें हो क्या रहा है। देखिए ए पाइप 10 मिनट में टैंक को भर सकता है, मान लीजिए ये पाइप ए है, इससे ये पानी भर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि बी पाइप जो है 6 मिनट में से खाली कर सकता है, ये बी पाइप है, बी पाइप इसको खाली कर रहा है। देखिए ये नीचे पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है ऐसा नीचे, तो यहां से ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे भरने और खाली होने का हमें रिलेशन देखना होगा, तो तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि यदि दोनों पाइप खुली छूट जाएं, छूट गए हों,
यानी दोनों पाइप खोल दिए हमने, तो ये टैंक पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा, खाली करने में कितना समय लगेगा। तो अब हम ये देखें कि एक पाइप तो भर रहा है पानी, तो उसको हम प्लस से संबोधित कर देते हैं, यानी प्लस ए, ठीक है, प्लस ए पाइप है, और दूसरा पाइप खाली कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है, तो माइनस बी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है 10 मिनट में ये टंकी भर देता है, कितने मिनट में, 10 मिनट में ये टंकी भर देता है, तो हमने प्लस कर दिया। और ये दूसरा जो बी पाइप है ये 6 मिनट में खाली कर देता है, मतलब ये जल्दी खाली कर रहा है, 6 मिनट में ये खाली कर रहा है, ठीक है, 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि देखिए 10 मिनट और 6 मिनट का हम एलसीएम ले लें, तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 6 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 6 का एलसीएम आएगा कितना, 30 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30, तो 30 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 30 आ जाएगा, तो एलसीएम 10 और 6 का कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो 30 से देखें तो 10 से हम 30 में भाग देंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, और 6 से 30 में भाग देंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रति मिनट में, यानी ये 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, जबकि दूसरा जो बी पाइप है वो 1 मिनट में 5 यूनिट खाली कर रहा है, यानी खाली होने की रफ्तार ज़्यादा तेज है, तभी तो वो पूरा टंकी खाली हो गई, क्योंकि खाली ऑलरेडी टंकी जो है 3/5 भरी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि टंकी में टोटल कितनी यूनिट था पानी, 30 यूनिट पानी था, तो 30 यूनिट अगर पानी था तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 30 यूनिट पानी था, और उसका 3/5 पूरा भरा हुआ है, 3/5 पूरा भरा हुआ है। तो अब देखें इसमें खाली करने का टोटल जो है ओवरऑल दोनों का अगर देखें हम ए प्लस बी मिलकर के क्या कर रहे हैं, तो ए प्लस बी एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो ये 2 यूनिट खाली होता है टंकी, टंकी कितनी खाली होती है, 2 यूनिट खाली होती है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी जो है 2 यूनिट खाली हो रही, माइनस का मतलब खाली हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखें कि टंकी भरी हुई कितनी थी, वही तो खाली होगी, क्योंकि ये कुल मिला के खाली इतना इस रफ्तार से कर रहा है, तो टंकी में कितना पानी था, 30 का 3/5 था, यानी 5 × 30 और 6 × 3 = 18, मतलब कितना था टंकी में पानी, 18 यूनिट था, और 18 यूनिट पानी था जबकि वो 2 यूनिट के हिसाब से प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 18/2, यानी 9 मिनट में ये टंकी जो है खाली हो जाएगी, पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, ये पानी पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 35% और 55% बड़ी हैं, तो ठीक है, तो 3 संख्याएं हैं, इसका मतलब संख्याएं 3 हैं, तो हम एक को अगर पहली संख्या को ए मान लें, दूसरी संख्या को बी मान लें और तीसरी संख्या को सी मान लें। अब वो कह रहा कि यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 35% और 55% बड़ी हैं, इसका मतलब अगर ये 100 है तो पहली संख्या इससे 35% बड़ी है, इसका मतलब 100 में 35 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 135 हो गया। इसी प्रकार वो कह रहा कि दूसरी संख्या 55% बड़ी है किससे, तीसरी से, तो ये कितनी हो जाएगी, इसमें 100 में 55 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 155, ठीक है, तो ये 135 और ये 155 हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो वेरी इजी, तो इसमें क्या करेंगे हम अनुपात निकालेंगे, तो इसका अनुपात निकालने के लिए जहां से कट रहा है उसको काट दो, तो कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो पहले 5 से काट देते हैं, 5 × 2 = 10, बचे 3, अंक उतारा 5 का, हो गए 35, 5 × 7 = 35, तो ये 27 आ गया यहाँ पे। अब इसको काट लीजिए तो 5 × 3 = 15 और यहाँ पे 5 बचा, तो 5 × 5, यानी उत्तर क्या आ गया आपका, 27 / 31, बिल्कुल छोटा सा सवाल था, तो ये ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 संख्याओं का अनुपात निकल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 60 परीक्षणों का माध्य 66 है, बाद में यह पाया गया कि एक परीक्षण 24 को भूल से 42 में ले लिया गया है, भूल से, ठीक है, 42 के रूप में ले लिया है, तो सही माध्य क्या होगा। तो एक तो इसका सबसे सरल तरीका तो ये है कि हमारे 60 परीक्षण हैं और इसमें क्या हो रहा है कि भूल से 24 को 42 ले लिया, मतलब कितना ज़्यादा ले लिया अपन ने, तो 42 में से 24 घटा दीजिए, तो 42 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, ठीक है, 18 बचा, 12 में से 8 के 4 और ये 18 बचा, तो 18 का अंतर है, यानी 18 अधिक ले लिया हमने, तो 18 अधिक ले लिया, इसीलिए माध्य जो है अब कुछ बढ़ के ही आया है यहाँ पे, तो इतना 18 अधिक ले लिया, तो अगर हमें इसको रेक्टिफाई करना है, कम करना है, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कितने परीक्षण थे, टोटल 60 परीक्षण थे, तो 60 परीक्षणों पे कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, तो एक परीक्षण यानी औसत कितना बड़ा, तो औसत कितना बड़ा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा
यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो 6 0 का 0 6 3 18 यानी दशमलव 3 जो है इसका माध्य कम हो जाना चाहिए। तो सही माध्य क्या होना चाहिए कि 66 में से अगर हम 66 में से 0.3 माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे हो गए 5 और यहाँ हो गए 6 यानी 65.7 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से न समझ में आए, क्योंकि वैसे इसमें टाइम कम लग रहा है, तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखिए 60 परीक्षण है और 66 उसका माध्य है, तो कुल कितना हो गया, 60 गुणा 66, जैसे कि आप करते हैं नॉर्मली, तो 60 गुणा 66 यानी कुल इतना था। तो कुल कितना था, 60 गुणा 66, तो 0 का 0 6 6 36 6 6 36 और 3 39 इतना था। अब 3960 था, लेकिन 3960 में हमें जो है क्या था कि गलती से हमने 42 ले लिया था, तो 42 को तो हटा दें, और लेना कितना था हमें 24, तो 24 को हम जोड़ दें। तो अब इसमें कितना डिफरेंस हुआ, देखिए 3960 में से 18 माइनस करना है, 3960 में से कितना माइनस करना है, 18 माइनस करना है, तो ये कितना होगा, 3942। अब 3942 हुआ और हमें 60 का एवरेज निकालना था, टोटल परीक्षण कितने थे हमारे 60, तो अब हमारा नया औसत क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे नया औसत बराबर कितना हो जाएगा, 3942 और बटे में 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो दशमलव आ जाएगा, 6 6 36, अब यहाँ 3 बचे तो 6 6 36, 6 5 30 तो ये हो गया 5 और दशमलव लग गया, और ये 4 2 42 तो 6 7 42 यानी 65.7 ऐसे भी आया, 65.7 ऐसे भी आया, आप कैसे भी कर लें। ठीक है, तो इस तरह से करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अगर ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सेम सी की आयु का दुगना है, यदि ए बी तथा सी की आयु का योग 27 है तो बी की आयु क्या होगी। तो इसमें हम इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ए इज 2 ईयर्स ओल्डर टू बी, सो बी हु इज, मतलब बी से रिलेशन है, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पर ए बी और सी लिख लें, ठीक है ए बी और सी लिख लें, तो वो सी को हम अगर एक्स माने, सी को अगर हम एक्स माने, तो वो क्या कह रहा है कि सी से बी जो है ट्वाइस है, दुगना है। ठीक है, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, मतलब सी की जो वैल्यू है उससे बी कितना है, दुगना, तो दुगना कर दीजिए 2x हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी, अब बी जो है, बी से ए जो है क्या है, 2 साल बड़ा है, तो अगर इसका मतलब इसमें 2 और जुड़ जाएंगे तो ए की क्या होगा, 2 साल बड़ा है, इसका मतलब बी कितना था 2x, तो ये 2x+2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो इन सबको जोड़ के और इसका टोटल कितना होना चाहिए, वो कह रहा है इनकी आयु का योग कितना है, 27 है, इसका मतलब इन सबको प्लस कर देना है, तो 2x+2 और +2x और +x और इन सब के बराबर क्या हो जाएगा, 27, तो इन सब के बराबर 27 हो गया, यानी 2 और 2 4 और 1 5x आगे 5x और प्लस में कितना है 2 और बराबर में कितना है 27। अब देखिए 5x बराबर 27 में से यहां पे जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 2, तो ये 5x बराबर कितना हो गया, 25 हो गया, तो x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 25 यानी x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब x बराबर 5 आ गया, लेकिन हमें तो b की आयु निकालनी थी, तो b क्या है, एक्चुअली b की आयु कितनी है, b की आयु है 2x, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 5 यानी 10, 2 × 5 = 10 यानी कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए x को एक कार्य का एक तिहाई भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो काम का 1/3 करने में कितना टाइम लगाता है, 4 दिन लगाता है, यानी पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये निकाल लेते हैं, तो पूरा काम करने में लगेगा टाइम कितना, 4 × 12 दिन, पूरा काम करने में उसको 12 दिन लगेगा। इसी तरह हम बाय का काम लिखें, तो बाय काम का कितना करता है, बाय काम का 1/6 भाग करता है, यानी 1/6 भाग, तो 1/6 भाग बराबर कितने दिन में कर लेता है, बाय 3 दिन में कर लेता है, तो ये पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो पूरा काम करने में उसको लगेगा कितना टाइम, 6 × 18 यानी 18 दिन लगेंगे। इसी प्रकार हम जेड का निकाल लेते हैं, तो जेड काम का कितना भाग कर रहा है, जेड काम उसी कार्य को आधे भाग को, इस कार्य के आधे भाग को, यानी जेड जो है काम का
आधा भाग यानी एक बटे दो भाग, और एक बटे दो भाग करने में उसको कितने दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। तो 5 दिन लग रहे हैं, यहाँ पे ये दिन है ठीक है, तो ये 5 दिन लग रहे हैं। तो पूरा काम करने में जेड को कितना टाइम लगेगा, तो पूरा काम करेगा जेड कितने, 5 दूनी 10 दिन में। अब देखिए ये हमारे पास पूरा आ गया डाटा, यानी हमारा जो अगर हम देखें तो एक्स, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स वाई और जेड ठीक है, एक्स एक काम को 12 दिन में करता है, वाई उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, जबकि जेड उसी काम को 10 दिन में कर रहा है ठीक है, क्लियर हो गया। अब 12 ये कितना होता है, 12 18 था ये, मैंने 18 यहाँ पे वाई का कितना है 18, तो 12 18 और 10 ठीक है। तो अब 12 18 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 18 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अगर हम लेंगे किसका किसका, 12 18 और 10 का, तो कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 180 ठीक है। तो 180 आया, तो 180 से जब इसको 12 से भाग देंगे 180 में, तो कितने बार जाएगा, तो 12 15 180 मतलब ये जाएगा 15 बार। 18 से जब 180 में भाग देंगे तो ये 18 दहम 180, तो यहाँ पे 10 बार, और 10 से 180 में भाग देंगे तो ये 18 बार जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, और ये एक दिन में 18 यूनिट काम करेगा, यानी एक दिन में तीनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो एक दिन का तीनों का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक है, इन तीनों का मिला के जो काम होगा वो कितना होगा, 15 दूनी 30 3 33 10 43 दिन, 43 यूनिट काम कर देंगे जी, क्या करेंगे 43 यूनिट काम कर देंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा, फिर क्या है यहां से फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों में एक साथ मिलकर करते हैं, तो पहले तो क्या है कि एक दिन में तीनों मिलकर के 43 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो पहले तो हम 3 दिन का काम निकाल लें, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 43 × 3 यूनिट, यानी 43 × 3 का मतलब क्या हुआ, 3 × 9 और 3 × 4 = 12, यानी 129 यूनिट काम हो गया, लेकिन टोटल काम कितना था, 180 यूनिट काम था। तो अब शेष कार्य कितना बचा, तो यहां पे लिख लेते हैं हम शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना बचा, 180 में से अगर हम 19 घटा दें, कितना 129 घटा दें, तो 180 में से अगर हम 129 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो 129 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10 में से 9 गए 1 बचा, और यहाँ पे 7 में से 2 गए तो 5 बचे, मतलब 51 बचा। तो कुल कार्य कितना बचा, 51 काम बचा है, शेष कार्य कितना बचा, 51 यूनिट कार्य बचा है। अब 51 यूनिट को वो कह रहा कि बाय को इस काम को करने में, जो शेष कार्य है उसको बाय को करने में कितना टाइम लगेगा, तो अब बाय की कैपेसिटी क्या थी, बाय एक दिन में कितना कर रहा था, बाय की कैपेसिटी क्या थी, बाय एक दिन में, देखिए ये है बाय की कैपेसिटी क्या थी, एक दिन में ये 10 यूनिट काम कर रहा था, बाय एक दिन में कितना कर रहा था, 10 यूनिट काम कर रहा था, तो इसको कितना समय लगेगा, तो यहां पे लिखेंगे समय बराबर, यहां पे लिख लेता हूं समय बराबर, टोटल यूनिट काम करना था इसको 51, और इसकी जो गति थी वो एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता था, तो 51 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये समय आ जाएगा दिनों में, तो कितना हो जाएगा, 51 से जब 10 को भाग देंगे तो 5.1 दिन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए राजू ने एक भैंस ₹10,000 में और एक गाय ₹7,500 में खरीदी, ठीक है, उसने भैंस को 12% की हानि पर और गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया, लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनको अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं, तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि भैंस जो है उसने कितने में खरीदी थी, ₹10,000 में एक भैंस खरीदी थी, 10,000, और गाय कितने में खरीदी थी, गाय उसने खरीदी थी ₹7,500 में, तो यहां पे लिख लेते हैं हम 7,500 में। अब भैंस उसने बेची है कितनी, 12% की हानि पर, तो हानि पर बेची है तो यहां पे माइनस हो जाएगा 12%, तो इसका 12% निकाल लीजिए, तो देखिए 10,000 का जब आप 12% निकालेंगे तो क्या होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1200 माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1200 माइनस हो जाएंगे, तो 1200 जब माइनस करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 8800 बचेगा। ये कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते थे, ठीक है, मैंने वैसे बताया है लेकिन आप मन में भी कर सकते थे। इसी प्रकार गाय को बेच रहा है लाभ पे, तो लाभ मतलब प्लस,
गाय को बेच रहा है लाभ पे, तो लाभ मतलब प्लस होगा, तो प्लस कितना 20%। तो अगर हम 7500 का 20% यानी 20/100, तो दो जीरो से दो जीरो कट गए और यहाँ पे क्या हुआ 20% था, ये 20% है ना, तो 75 × 150 और एक जीरो तो 1500, तो यहाँ पे 1500 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1500 प्लस होगा यानी 7.5, 8, 9, तो ये कितने हो गए 9000। अब देखिए 9000 आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या था, ये था हमारा सीपी। तो अगर हम इनको दोनों को प्लस कर दें तो यहां पे सीपी हम निकाल सकते हैं, तो कुल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी, टोटल जो सीपी होगा हमारा वो कितना होगा 10000 और प्लस 7500, तो टोटल सीपी हमारा हो गया 17500, हो गया कि नहीं, तो 17500 रुपए हो गए ये, ठीक है। अब हम एसपी, ये हमारा एसपी है, देखिए ये भी एसपी है और ये भी है, ये एसपी वन है, ये एसपी टू है, ये भैंस का एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, और ये गाय का विक्रय मूल्य है, तो इसका टोटल एसपी अगर हम निकालें तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 9 17800, तो 17800 इसका एसपी हो गया। इसका मतलब क्या है कि 17800 रुपए में उसने बेची दोनों मिला के और 17500 में खरीदी थी, तो लाभ कितना हुआ, एसपी जब बड़ा है तो क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 17800 में से हम 17500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, रुपए 300 बचेगा, ठीक है 300 रुपए बचेगा। अब हमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना था, तो लाभ आया तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ 300 है और बटे में सीपी आएगा, ठीक है बटे में हमेशा सीपी आता है, तो बटे में क्या होगा 17500 और गुणा में कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको काट पीट के बराबर कर लीजिए, तो कितना आएगा, देखिए ये जीरो से जीरो काट देते हैं, दो जीरो से दो जीरो कट गए, ठीक है, तो अब कितना बचा, अब यहाँ पे 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 25 से कट जाएगा ये तो डायरेक्ट, तो 25 × 150, 25 × 7 = 175, तो ये 7 बार कटा और 25 × 100 यानी कितना हो गया, ये 12/7, 4 × 3 = 12, देखिए 4 × 3 = 12, तो 12/7। अब इसको सही बटे में उतारा रहा, तो सही बटे में तोड़ लीजिए इसको, तो 7 × 1 = 7 / 5, तो ये चले जाएंगे ऊपर और बटे में सी नीचे 7 आ जाएंगे, तो 1 सही 5/7, तो 1 सही 5/7%, यानी ये ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट होगा, यानी लाभ, ठीक है लाभ होगा, तो ये इतना लाभ होगा, 1 सही 5/7% होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक कक्षा में 20 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए लड़के यानी बॉयज और इनका एवरेज क्या दिया है, इसका एवरेज हम शॉर्ट में AV लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे गर्ल्स हैं तो जी फॉर गर्ल्स कर देते हैं और इनका भी एवरेज हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 20 लड़के और 20 लड़कियाँ हैं, मतलब 20 लड़के हैं तो यहाँ पे 20 लड़के और 20 लड़कियाँ हैं तो 20 लड़कियाँ, ठीक है। अब 20 लड़के और 20 लड़कियाँ हैं तो उनमें से वो कह रहा है कि लड़कों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है, तो औसत आयु लड़कों की कितनी है 17 वर्ष, जबकि लड़कियों की कितनी है, लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो लड़कियों की औसत आयु हम यहाँ पर 16 वर्ष लिख देते हैं। अब वो कह रहा है कि एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं, तो एक लड़का चला गया यहाँ से, तो कितने बचे, अब 19 लड़के बचे, कितने बचे 19 लड़के बचे, और एक लड़की ने भी कक्षा छोड़ दी, तो यहाँ पे भी -1 करेंगे, मतलब 19 लड़कियाँ बची, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब जो है पूरी कक्षा की उससे क्या होता है कि एक लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो लड़कियों की औसत आयु कितनी हो रही है, 1 वर्ष कम हो रही है, यानी इसमें से अगर हम औसत आयु में से लड़कियों की में से 1 माइनस कर दें, यानी लड़कियों की जो औसत है आयु है वो कितनी हो रही है 15, ठीक है क्लियर हो गया। अब देखिए वो कह रहा है और लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो लड़कों की 2 वर्ष कम हो रही है, यानी 17 थी पहले, अभी 2 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 - 2 = 15, तो ये हो गया औसत। अब हमें क्या करना है, इसका नया औसत निकालना है, तो नया औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का नया औसत निकालना है, तो टोटल कितने हैं, देखिए टोटल 19 लड़कियां बची और 19 ही लड़के बचे, यानी बटे में कितना आएगा 38 आएगा, तो बटे में तो हम 38 कर देंगे, यहाँ पे बटे में 38 कर देते हैं, और ऊपर क्या होगा, इन दोनों का 19 × 15 यहाँ पे लिख देते हैं, 19 × 15 और धन 19 × 15, तो 19 × 15 यहाँ पे भी लिख देते हैं, 19 × 15, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे 19 × 15, ठीक है इस तरह से लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 19 × 15 और 19 × 15। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये 19 × 15 मतलब कितना हो गया 285 हो गया, और 19 × 15 ये भी 285 हो गया, तो अब इसको
हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे बटे में 38 हो जाएगा। तब 285 और 285 कितना हो गया, 560 570, तो ये हो गया 570 और बटे में कितना हो गया 38 हो गया, तो बटे में 38 हो गया। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए तो कितने से कटेगा ये 38, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, तो यहाँ पे 30 आ गया और 2 से ये कट जाएगा, 2 से आधा कर दो यहाँ पे तो 15 हो जाएगा, तो यानी औसत कितना आ जाएगा इसका 15 वर्ष हो जाएगा। तो नया औसत इन दोनों का कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो देखिए अपना उत्तर आया है 15 वर्ष, ठीक है, जबकि इसमें 15 वर्ष कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक ये 15.5 की जगह 15 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि हंसा की माँ 31 वर्ष की थी, यानी जब हंसा का जन्म हुआ, जब उसका जन्म हुआ यानी हंसा के जन्म के समय, तो हंसा के जन्म के समय उस समय उसकी उम्र थी 31 वर्ष। और फिर वो कह रहा कि हंसा के पिता, यानी हंसा का जो पिता है, वो 35 वर्ष के थे, और कब थे, जब उसके भाई का जन्म हुआ जो कि हंसा से 3 वर्ष छोटा था। तो हंसा के भाई के जन्म के समय, यानी हंसा के भाई के जन्म के समय उसके पिता की उम्र, जन्म के समय उसके पिता की उम्र कितनी थी, 35 वर्ष थी। और हंसा की माँ की उम्र 31 वर्ष कब थी, जब हंसा का जन्म हुआ। तो जब हंसा का जन्म हुआ तब हंसा की माँ 31 वर्ष की थी, लेकिन उसके पिता की कब की उम्र दी है, जब हंसा के भाई का जन्म हुआ जो कि हंसा से 3 वर्ष छोटा है। इसका मतलब हंसा का भाई हंसा के 3 वर्ष बाद हुआ है, तो उस समय उसकी माँ की उम्र कितनी हो गई होगी, 3 वर्ष अधिक हो गई होगी, जब हंसा का भाई हुआ। यानी माँ की, हंसा की माँ की जो उम्र हंसा के भाई के जन्म के समय कितनी रही होगी, 34 वर्ष की रही होगी, और उसके पिता की उम्र तो यहाँ दी है, हंसा के भाई के जन्म के समय 35 वर्ष, और इनमें उसके माता पिता के बीच आयु के बीच का अंतर पूछा है, तो 35 में से 34 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 1 वर्ष आएगा, तो आयु का अंतर कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है, चलिए तो दूध और पानी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये दूध है और ये पानी है, ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, इसका मतलब दूध हम मान लेते हैं 5x और पानी को मान लेते हैं 3x, ठीक है, x इसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5x और 3x मान लिया। अब वो कह रहा है यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो 5 लीटर दूध 5x में 5 लीटर दूध मिला दिया, तो 5x में 5 लीटर दूध मिल गया, तो दूध कितना हो गया 5x+5, पानी की मात्रा तो चेंज हुई नहीं है, तो पानी की मात्रा तो एज इट इज रहेगी, तो इसका वो कह रहा है कि इनका अनुपात अब कितना हो जाता है, 7:3 यानी 7/3 हो जाता है। तो अब क्या हो गया कि 7/3 जब इनका अनुपात हो गया, इसका मतलब हम 3 से 3 नीचे के 3 काट दें, तो यहाँ पे कैची गुणा करेंगे तो 7 × x कितना हो गया 7x, वो बराबर, यहाँ तो कुछ नहीं था 1 था, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5x+5, तो 7x और 5x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 2x+5 हो जाएगा, तो x=5/2 हो जाएगा, यानी x 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, कितना हो गया 2.5 हो गया। लेकिन अभी उसने पूछी है नए मिश्रण में दूध की मात्रा, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है हमारी, देखिए नए मिश्रण में दूध की मात्रा, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, ये 5x+5 ये वाली हमारी दूध की मात्रा थी, तो बराबर कितनी थी हमारी 5x+5, ठीक है, अब 5x+5 थी तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 5 × x की वैल्यू कितनी थी हमारी 2.5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5 और धन में 5, तो 25×5=125, यानी ये हो गया 12.5 और धन 5, अब इसको जोड़ लीजिए तो 12×5=17.5 लीटर ये आ गई नए मिश्रण में दूध की मात्रा, यानी 17.5 लीटर, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में 5% पानी होता है, तो दूध में 5% पानी है, तो ठीक है मिल्क और वाटर, ठीक है, तो दूध में 5% पानी है, ठीक है, और उसको 4% करने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई है, तो दूध कितना था 8 लीटर, तो सबसे पहले तो हम दूध को देखें कि दूध था हमारा 8 लीटर, ठीक है, इसमें 5% पानी था, तो अगर इसमें 5% पानी था तो 8 का 5% कितना हो जाएगा,
8 का 5% कितना हो जाएगा 0.4, क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 इंटू 5, 5% का मतलब 5/100, यानी ये हो गया 40/100, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, और 4/10 का मतलब 0.4, तो ये तो आ गया 0.4। दूसरा अब बाकी जो बचा वो दूध होगा, तो 8 में से 0.4 घटा दीजिए तो 7.6 आपका मिल्क हो गया, यानी ये मिल्क है और ये क्या है आपका वाटर है, ठीक है। तो अब इसमें मिल्क कितना था एक्चुअली 7.6 लीटर, 7.6 मतलब 8 लीटर जो था, 8 लीटर दूध जो था उसमें 5% पानी था, तो इसका मतलब इसमें पानी और दूध की मात्रा अगर हम अलग अलग कर दें 8 लीटर की, तो ये कितना हो जाएगा, दूध होगा इसमें 7.6 लीटर और पानी कितना रहा होगा 0.4 लीटर, ठीक है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें वो कह रहा कि इसको करना है कितना, 4% करना है, तो 4% करने के लिए वो कह रहा कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ये 4% हो जाए। तो अब 4% को समझ लीजिए, 4% क्या है, पानी हो जाए, तो पानी अगर 4% है तो इसका मतलब इसमें दूध कितना होना चाहिए, 100 में से 4 घटा दो तो 96% इसमें दूध होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का मिश्रण बनाना है कि जिसमें 96 दूध हो और 4 क्या हो, पानी हो। तो अब देखिए दूध की वो कह रहा कि कितना दूध और मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि एक्स लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो 7.6 में अगर हम एक्स लीटर दूध मिला दें तो क्या होगा, और पानी की मात्रा तो कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो पानी की मात्रा तो 0.4 लीटर ही रहेगी, तो कह रहा है कि इसमें 4% बनाना है इसको, मतलब यानी 96 दूध हो ऐसा बनाना है कि जिससे 96 भाग दूध हो और 4 भाग क्या हो, पानी हो, 4 भाग कितना हो, पानी हो। तो अब इसको काट दीजिए तो 4 से ये 4 कट गए, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसको कैंची गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इस तरह से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.6 और धन एक्स, और यहाँ पे 0.1 से 96 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9.6 माइनस 7.6, तो 9.6 में से 7.6 घटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा, तो 2 लीटर यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो अब इसमें देखिए एक चीज समझ लें कि जैसे मान लीजिए अभी अपन ऐसे समझ लें कि जैसे ये वृत्त है, ठीक है। अब ये वृत्त है और इसमें ये केंद्र है इसका, और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब व्यास इसका 14 है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, यानी 14 और बटे में कितना हो जाएगा, 2, यानी 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो है हमें क्या करना है, एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र, तो ये निर्मित त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यानी कोण की वैल्यू कितनी है, 60, तो यहाँ पर लिख दें 60 और बटे में 360 गुणा में, अब देखिए यहाँ पे पाई में आंसर नहीं है, इसका मतलब 22/7 वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो इसकी 22/7 वैल्यू रख देते हैं, और आर कितनी है हमारी, 7 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी 7 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 7 से तो दूसरा 7 कट गया, ये 0 से 0 कटा, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, और ये काट दीजिए 2 से तो ये कटेगा, 2 3 6 और 11 बार ये कटेगा, ठीक है। तो 11 बार कटा तो 11 7 77, तो कितना हो गया ये 77, 11 7 77 और बटे में कितना बचा था, 3 बचा, तो बटे में 3 बचा, तो अब सही बटे में उत्तर आ रहा है, तो इसको निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 6 1 बचा तो 17 हो गए, तो 3 5 15, अब 2 बचे तो 2 को ऊपर लिख दो, तो 25 सही 2/3 और वर्ग सेंटीमीटर आएगा, 25 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर में इसका उत्तर आएगा, क्या आएगा, 25 सही 2/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, कहीं ये ऑप्शन 2 नहीं करेक्ट कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में है, यानी वर्ग सेंटीमीटर में, तो ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, तो अब देखिए भास्कर यहां पे लिख लेते हैं, भास्कर और उसकी बहन है, तो बहन, तो भास्कर अपनी बहन से, ठीक है, बहन यहां पे ये हटा देते हैं, बहन, ठीक है, ये बहन, तो भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, यानी अगर उसकी बहन की जो है 1 इकाई वर्ष है, तो इसके 5 गुनी उसके भास्कर की
आयु होगी, पांच गुनी मतलब पांच, अगर इसकी एक है तो इसकी पांच यूनिट आयु होगी, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है ये तो क्या है, उसकी वर्तमान की आयु है, वर्तमान। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी यहां पे हम लिख लें 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद भास्कर की आयु उसकी बहन की आयु की तीन गुनी हो रही है। तो भास्कर की आयु उसकी बहन की, तो बहन की अगर एक यूनिट है तो उसकी तीन गुनी यानी तीन यूनिट हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, जब हम इस तरह से गुना में यानी अनुपात में लिखते हैं तो इसको देखेंगे कि पहले इनका अंतर बराबर है कि नहीं। तो पांच और तीन का अंतर दो है और एक का अंतर शून्य है, तो इसका अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस पांच में से एक गया तो चार है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है चार है। इसी प्रकार हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है तीन में से एक गया दो है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो अंतर है यानी दो जो आया, इसको हम इसके ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे, पांच से दो को गुणा करेंगे और एक को भी दो से गुणा करेंगे। जो ऊपर वाला जो अंतर आया है चार, तो इसको हम नीचे वाली संख्याओं से यानी तीन को चार से और एक को भी चार से, ये काय के लिए करते हैं, अंतर समान करने के लिए, तभी हम सवाल लगा पाएंगे। तो अब देखिए आप खुद देखें कि अंतर एकदम समान हो गया, मतलब अगर हम देखें अब इसको तो वर्तमान की जो आयु है अब कितनी हो गई, पाँच दूनी दस, दस यूनिट, और ये कितनी है दो यूनिट है यानी पाँच गुनी है बिल्कुल। और 10 वर्ष बाद की अगर हम देखें तो 10 वर्ष बाद जो आयु है वो कितनी हो गई, चार तिया बारह यहाँ पे, और यहाँ पे चार एकम चार, तो ये भी तीन गुनी है, चार तिया बारह, यूनिट बराबर है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अंतर बराबर हो गया। देखिए अब देखिए इसमें बारह और दो में कितनी यूनिट का अंतर है, दो यूनिट का अंतर है, और चार और दो में भी दो यूनिट का अंतर है। तो जब यूनिट्स बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि अब देखिए वर्तमान से 10 वर्ष बाद अंतर कितना हुआ, वर्तमान से 10 वर्ष बाद का अंतर 10 होगा, यानी यूनिट में अंतर आ रहा है दो, तो जब दो यूनिट का अंतर है तो एक्चुअल अंतर कितना है 10, तो यहाँ पे 2 बराबर 10, तो एक यूनिट बराबर 5 हो जाएगा, और एक यूनिट बराबर 5 हो गया। अब हमें भास्कर की वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु भास्कर की ये रही, देखो अब भास्कर की कौन सी है, ये भास्कर चल रहा और ये इसकी बहन चल रही है ये वाली, तो हमें भास्कर की निकालनी है तो हम 10 यूनिट से वैल्यू निकाल लेंगे। तो भास्कर की वर्तमान आयु 10 यूनिट थी, तो 10 यूनिट थी और एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10 यानी 50 वर्ष हो जाएगी। तो 50 वर्ष यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो क्या है कैलकुलेशंस करनी है, तो कैलकुलेशन डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया देखिए 4 और 2 6, 3 और 2 5, ठीक है, 6 और 0 6, और 1 और 4 5, और अब इसको लिख लेते हैं 15% है तो प्लस में 15% का 1496, तो का मतलब गुणा होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहां पे 15% का मतलब क्या होता है 15/100, और गुणा में 1496, ठीक है, तो 1496 लिख लेते हैं। तो अब इसको काट लीजिए तो 5 3 15 और 5 20 100, अब इसको 2 से काटे तो 2 7 14, ठीक है, 2 4 8, 1 2 8 16, और यहाँ पे आ गया 10। अब इसको चेंज ना करें क्योंकि एक डिजिट बाद अंक लग मतलब डेसिमल लगा देंगे तो आसान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो ये 5 6 5 6, ये तो आया था 56 56, और धन यहाँ पे कितना है 3 8 24, तो 24 के 4, हाथ क्या है 2 3 4 12 और 2 14 14 के 4, हाथ का है 1 3 7 21 22, तो इसमें कितना हो गया ये हो गया 22, तो यहाँ पे 22 लिख देते हैं। अब बटे में 10 था, अब देखो बटे में 10 था तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, तो ये 224.4 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो ये देखिए 0.4 को तो अलग रख दो और फिर इनको जोड़ो, 6 और 4 10, 10 का 0, 5 और 1 6, हाथ के 1 आया था, तो 6 6 और 2 8, कितना हो गया 6 और 2 8। अब तीसरा अंक जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा और 5 का 5 आ जाएगा, तो यानी कितना हो गया 5880.40 यानी 4, तो ये ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, औसत निकालना है। देखिए औसत निकालने के लिए यूनिट से ही औसत निकाल लो, बहुत आसान है, वैसे तो आप टोटल करके भी निकाल सकते हो, तो यूनिट डिजिट से ही निकले आ गया। देखो यूनिट डिजिट 4 और 2 6, देखिए इनको जोड़ते चले जाओ, 4 और 2 6 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, यानी इकाई अंक पर 4 आना चाहिए, तो इकाई अंक पर 4 आना चाहिए कुल योग में,
कुल योग में इकाई अंक पर चार कब आएगा, जब इसके औसत में, अब कितनी संख्या है, छह संख्या है, तो इन सब संख्याओं में ऑप्शन से ही कर लें ज्यादा आसान होगा, तो इनकी सब संख्याओं में छह से गुणा कर लो, जिसके इकाई अंक पे चार आ जाए वही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो अब देखिए छह पंजे तीस कितना आ रहा, शून्य, शून्य आ रहा है इकाई पे, तो गलत हो गया। छह आठ अड़तालीस, इसकी इकाई अंक पे आठ आ रहा, तो ये भी गलत है। छः एकम छः, इसकी इकाई अंक पे छः आ रहा, हमें तो चार चाहिए, तो ये भी गलत है। और ये छः नाम चौवन, इसकी इकाई अंक पे चार आ रहा, यानी यही आपका राइट ऑप्शन है। वैसे आप इन सबको जोड़ के और छः से भाग देंगे तब भी उनतालीस ही आएगा, तो इसका फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु क्रमशः, अब देखिए एक्स और वाई की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 है, तो अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की आयु का अनुपात हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई, और इसकी आयु का अनुपात कितना है, 5:6। ठीक है, और फिर वो कहता है 7 वर्षों बाद, तो ये तो उसकी वर्तमान आयु है, इसको लिख लेते हैं वर्तमान। ठीक है, अब वो कह रहा है 7 वर्षों बाद, तो 7 वर्षों बाद क्या पोजीशन हो रही वो देख लेते हैं। तो 7 वर्षों बाद क्या हो रहा है कि उसका जो अनुपात है वो चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, 6:7 हो रहा है। लेकिन यहां पे देखिए मजे की बात क्या है कि यहां पे अंतर एक जैसा है, तो इसमें हमें अंतर मिलान नहीं, एक सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 6 और 5 का अंतर कितना है, 1 है, और 6 और 7 का अंतर भी 1 है, इसका मतलब अंतर कितना है यहाँ पे, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्तमान और 7 वर्ष में कितना अंतर होना होगा, 7 वर्ष का, और यहाँ पे यूनिट में कितना अंतर आ रहा, 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 वर्ष है। तो अब हमें क्या करना है कि x की वर्तमान आयु निकालनी है, तो x की वर्तमान आयु कितनी होगी, देखिए x की वर्तमान आयु ये रही, x ये और वर्तमान ये लिखा है, तो x की वर्तमान आयु कितनी है, 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5×7=35 वर्ष, तो 35 वर्ष इसमें उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, 8 की घात 224 जब आप विस्तार करेंगे तो उसका अंतिम अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करें कि इसका साइकिल देख लें, साइकिल कितने उसके बाद बदल रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 8 की घात 1 लिखें तो इसका उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर हम 8 की घात 2 कर दें, यानी 8 का वर्ग कर दें, तो 8×8=64 आएगा, यानी इसका इकाई अंक 4 हो रहा है। अब 8 की घात 3 अगर लिखते हैं तो 8 की घात 3 कितना होता है, 512, तो 512 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 512, यानी इसकी इकाई अंक 2 आ रहा है। और 8 की घात 4 लिखेंगे तो 8 की घात 4 कितना होता है, 4096। इसके बाद जब पांचवें राउंड पे हम जाएंगे ना, तो 8 की घात 5 लिखेंगे तो इसमें 1 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4×24, यानी यूनिट डिजिट पे 4 ही आएगा, तो 8×48, यानी 8 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो देखिए 8 माने यहाँ पे साइकिल फिर से वापस उसी साइकिल पे आ गया, ये चक्कर फिर से घूमने लगेगा, यानी पांचवें की हमें लिखने की जरूरत नहीं, इससे हमने चेक कर लिया कि ये 4 तक तो ऐसे चलता है, फिर पांचवें पे क्या होगा, 8 आ जाएगा, छठवीं जब घात लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, सातवीं घात लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि 4 बार इसकी साइकिलिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी बड़ी पावर हो, इसका सरल तरीका यही है कि जितनी भी बड़ी पावर हो, हम देख रहे हैं कि 4 के बाद चक्र बदल रहा है, तो 4 से भाग दे देंगे उस पावर को, तो 4 से भाग दे देंगे, तो अब क्या होगा, ये 4×5=20, ठीक है, अब 2×24 हो गया, तो 4×6=24, यानी पूरा कट गया। तो जब शेष फल शून्य बच जाए, समझना इस बात को, जब शेष फल शून्य बच जाए तो इसका मतलब है कि ये जो है आखिरी वाला, यानी जो भी आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड जब शेष फल शून्य बच जाए तो जो आखिरी साइकिल है उसकी जो यूनिट डिजिट है वही उत्तर होगा। अगर शेष फल 1 बचता तो उत्तर 8 होता, शेष फल अगर 2 बचता तो उत्तर 4 होता, शेष फल 3 बचता तो उत्तर 2 होता, लेकिन शेष फल शून्य बचा है इसका मतलब लास्ट वाला राउंड, यानी अंतिम अंक इसका क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और कर लें तो और अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वो कह रहा है कि 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां UV और W, तो 3 कंपनियां हैं UV और W के औसत स्टॉक का मान 545 बिलियन है। यहां पर इस बात को ध्यान दें, औसत स्टॉक का मान, ठीक है, तो औसत स्टॉक का मान है, इसका मतलब इसका टोटल कितना होगा, तो टोटल हम पहले लिख लेते हैं U धन B धन W,
यू धन बी धन डब्ल्यू का टोटल कितना होगा, इसको हम तीन से गुणा कर दें, क्योंकि तीन चीजों का औसत है तो इसका टोटल कितना आएगा, तीन गुना होगा, तो तीन से कर दीजिए गुणा। तो तीन पंजे पंद्रह, हाथ का आया एक, तीन चौक बारह और एक तेरह, तेरह के आए तीन, हाथ का आया एक, तीन पंजे पंद्रह और एक सोलह, यानी 1635 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब वो कह रहा है कि बी एक्स वाई का औसत स्टॉक 678 है, तो इसमें भी तीन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स और प्लस वाई, इनका जो औसत है, अब इसका तीन गुना करना पड़ेगा क्योंकि औसत 678 है, तो इसमें भी हमें तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल आएगा, तो इसको कर लीजिए, तीन अट्ठे चौबीस, हाथ क्या है दो, तीन सत्ते इक्कीस और दो तेईस, हाथ क्या है फिर दो, तीन छक्के अठारह और दो बीस, यानी ये कितना हो गया, 2034 हो गया। अब देखिए यहां पे अगला क्या कह रहा है कि कंपनी वी के स्टॉक का मान, अब देखिए बी का तो उसने वैल्यू ही दे दी डायरेक्ट 477, यानी बी की वैल्यू अगर 477 है, ठीक है, बी की वैल्यू 477 है तो एक्स धन वाई की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स धन वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2034 में से हम माइनस कर देंगे कितने, 477, तो 477 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारी एक्स धन वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गए 7, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पे 9 में से 4 गए 5, तो और 2 में से 1 गए 1, यानी ये आ गया इतना 1557। अब 1557 आ गया, अब उसने हमसे क्या पूछा, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, तो इनकी वैल्यू पूछिए, तो अब हम निकाल लेते हैं, तो यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू और प्लस एक्स और प्लस वाई, तो अब देखिए यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इनकी वैल्यू हमें ये दे रखी है 1635, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 1635, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है कितनी, 1557, तो प्लस में कर दो 1557, तो इससे ही आपका उत्तर आ जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 7 और 5 12, 12 की 2 हाथ की आई 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, अब तीसरे अंक पे आ जाइए, तो 5 और 6 11, 1 एक हासिल आई और एक एक हासिल आई, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक और एक दो और एक तीन, ये एक्चुअली टोटल आया पांचों का, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं अपन, टोटल में जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दीजिए, संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी 5 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 5 6 30, अब कितने बचे, 1 19, 5 3 15, 4 42 हो गए, 5 8 40 और कितना, अब 2 तो अंक दशमलव लगाएंगे, अंक उतारेंगे शून्य का, तो जो 20 हो जाएगा, तो 5 4 20, यानी 638.4, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या निम्न होगी, तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, यानी 60 छात्र हैं पूरे, तो 60 छात्रों में कितनी हैं, 2/3 भाग लड़के हैं, तो 60 छात्रों का 2/3, देखिए 60 छात्रों का 2/3 क्या है, 2/3 भाग लड़के हैं, तो बाकी कितना बचा, 2/3, तो बाकी बैलेंस क्या बचा, एक भाग, पूरा भाग एक मानते हैं, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी हुई, 1/3 भाग हुई, देखिए 2/3 भाग अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 1/3 भाग होंगी, तभी तो पूरा एक बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कियां कितनी हैं, 1/3 भाग हैं, ठीक है, लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर, अब देखिए 60 का 1/3 भाग कर दीजिए, तो 60 पूरी संख्या थी, उसका 1/3 भाग क्या है, लड़कियां हैं, तो इसको काट दीजिए, 3 20 60 और 20 एकम 20, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें देखिए घनमूल निकालना है 216 × 125 का, तो बहुत ही आसान है, देखिए आपको अगर घनमूल 10 तक के याद है तो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 6 का घन होता है 216, यानी 216 का घनमूल कितना होगा, 6 होगा, तो 216 का घनमूल कितना होगा, 6 होगा, और 125 का घनमूल आपको पता ही होगा, 5 25 5 125, यानी 5 होता है, तो 5 का घन होता है 125 और 125 का घनमूल 5, इसी तरह 6 का घन होता है 216 और 216 का घनमूल 6 हो गया, तो कितना हो गया, देखिए 6 5 30 उत्तर हो गया, तो 30 यानी ऑप्शन 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग 24 है तो संख्या निम्न होगी, तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है,
तो x और उसके एक बटे तीन भाग यानी एक बटे तीन ऑफ x यानी एक बटे तीन एक्स, और इन दोनों का टोटल हमने प्लस लगा दिया, योग का मतलब क्या होता है प्लस, और इनका योग कितना आया 24 के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए एक धन एक बटे तीन यानी तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन, तो ये कितना हो जाएगा चार बटे तीन एक्स, तो चार बटे तीन एक्स बराबर कितना है 24, ऊपर की संख्या तो ऊपर से काट दीजिए, चार एकम चार और चार छह 24, और ये नीचे है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स बराबर छः गुणा तीन यानी छः तीन अट्ठारह, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फैक्टराइजेशन का है, बहुत ही फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता ही होगा, नाइन्थ क्लास से एट्थ क्लास से ही करते आ रहे हैं। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर 40, तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस संख्या को और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ठीक है उन दोनों को देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब एक है, और ये संख्या जो है स्वतंत्र संख्या कितनी है माइनस 40, तो इनका जो हम रिजल्ट देखें माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमें 40 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर तीन हो, स्प्लिट द मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, तो जिसका अंतर तीन हो। तो देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 8 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो इसका मतलब हम इसको इसके फैक्टर बना सकते हैं इस तरह से, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 8x और माइनस कितना 5x और माइनस का 40 ठीक है। अब इसके और अगर गुणनखंड करेंगे तो इसमें x यहां पे कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x धन 8 और यहां पे माइनस का कॉमन लेंगे क्योंकि यहां पे प्लस लाना है हमें, तो माइनस का 5 दोनों में कॉमन है तो माइनस का 5 लेंगे तो यहां दोनों ये धनात्मक हो जाएंगी संख्याएं, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो ये क्या होगा 5, यहां तो x ही बचा और 5 × 8 = 40 यहां पे धन का 8 बचा, यानी एक ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 5 ठीक है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये x प्लस 8, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 8, तो क्या हो गया ये वाला ऑप्शन कहां पे है टिक कर लीजिए, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है x माइनस 5 और x प्लस 8 ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, पी प्लस 1/p बराबर 8 दिया है, तो पी क्यू प्लस 1/pq की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक चीज पता होगी थोड़ा सा फिर भी अपन रिवाइज कर लेते हैं, एट्थ और नाइन्थ में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो x प्लस y अगर इसका होल क्यूब हम देखें तो क्या होता है इसका होल क्यूब x क्यूब ठीक है प्लस y क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y, तो यही फॉर्मूला यहां पर लगा दें आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि p प्लस ये देखिए ये हमारा x है और ये हमारा y है, हम ये मान लेते हैं, तो x प्लस y का होल क्यूब यानी हम क्या लिखेंगे p प्लस 1/p इसका क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे और बराबर अब देखिए पहली संख्या का क्यूब यानी x यानी p का क्यूब, पहली संख्या का क्यूब यानी p का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब, दूसरी संख्या क्या है हमारी 1/p है तो 1 का क्यूब 1 और p का क्यूब p क्यूब हो जाएगा ठीक है, और प्लस अब देखिए 3 यानी फॉर्मूले का 3 और इंटू एक्स, अब देखिए x क्या है हमने p माना है तो 3 × p और y को हमने क्या माना है 1/p माना है तो 3xy, तो y की जगह क्या लिखेंगे हम 1/p तो 1/p और ब्रैकेट में x प्लस y यानी p x है हमारा और y क्या है हमारा 1/p है तो x प्लस y की जगह क्या लिख जाएगा p प्लस 1/p, बस अब तो वैल्यू रख दीजिए बस आंसर आ गया आपका। देखिए तो देखिए p प्लस 1/p 8 है तो 8 का यहां पे लिख देंगे 8 का क्यूब बराबर पी क्यूब प्लस 1/pq, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इसको ज्यों का त्यों रखेंगे पी क्यूब प्लस 1/pq ठीक है, और फिर प्लस अब देखिए p से p तो ये कैंसिल हो गया तो यहां पे 3 एकम 3 ही बचा तो 3 लिख दीजिए यहां पे और ब्रैकेट के अंदर क्या है p प्लस 1/p जिसकी वैल्यू हमारी 8 है तो हम यहां पे इंटू 8 कर देते हैं। अब देखिए 8 का क्यूब कर लीजिए तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, अभी अपन ने करा था तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो यहां पे लिख लेते हैं 512 और ये बराबर पी क्यूब और प्लस 1/pq और प्लस 8 × 24, तो अब ये 24 यहां पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 512 और माइनस में 24 हो गए और बराबर पी क्यूब प्लस 1 अपॉन
पी क्यूब, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी थी। तो अब देखिए यहाँ पे और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब प्लस वन अपॉन पी क्यूब बराबर, अब 512 में से 24 घटा दीजिए तो 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8 बचे, तो यहाँ पे 10 में से 2 गए, 8 बचे, और यहाँ पे 4, तो जी कितना हो गया 488, यानी 488। तो 488 यानी इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, तो 488 जो है ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें औसत निकालना है, तो इसको जरा ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसको डायरेक्ट यहीं पे कर लें अपन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम FI XI निकाल लेते हैं इसका, FI XI, तो इनका गुणा कर दो, तो 5 × 2 = 10 यहीं पे कर लेते हैं, प्लस 15 × 4 = 60 प्लस 25 × 7 = 175 प्लस 35 × 70 = 140 तो 35 × 4 = 140 प्लस 45 × 90 और 90 में 45 जोड़ दो कितने हो गए, 135। ठीक है, अब बटे में क्या आएगा, इसका औसत निकालना है, तो बटे में सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दिया हमने, ये देखिए FI XI निकाला, उसको σFI XI कर दिया, क्योंकि इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, σFI XI और अपॉन में σFI, सिग्मा का मतलब समेसन, समेसन मतलब टोटल, तो इसका टोटल कर लीजिए अब FI का, तो देखिए 2 × 4 = 6 × 7 = 13 × 4 = 17 × 3 = 20, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए बटे में 20। अब देखिए इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल कर लेते हैं अपन, 5 और 5 = 10, 10 का आया 0, हाथ के आए कितने, 1 1 और 3 = 4 4 = 8 8 = 7 = 15 15 और 6 = 21 और 1 = 22 22 के आए 2 और हाथ से लाए 2। अब 2 और 1 = 3 और 1 = 4 और 1 = 5 यानी 520 और बटे में 20, 0 से 0 कटा और 2 यानी 52 काटते हैं 26 26 × 52, तो उत्तर कितना आ गया, 26 आ गया, तो हमारा औसत कितना आ गया 26, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे क्वेश्चनों में लीजिए जरूर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अगर ट्रिक नहीं मालूम है आपको, तरीका नहीं मालूम है, तो करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, वैसे आपने 9th में पावर और एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े ही होंगे, तो अब देखिए यहाँ पे आधार इसका बेस जो है ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, और यहाँ बराबर एक है, तो जैसा कि हमें पता है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि जैसा कि हमें पता है कि किसी भी संख्या की पावर, देखिए मान लीजिए हमने लिखा 20 या 205 लिख लेते हैं, चलो 205 की पावर 0, अगर हम उस पर पावर 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कोई भी संख्या हो, संख्या अगर x है उसकी पावर 0 लगाएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसी प्रकार अगर a की पावर 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू a हो जाएगी, यानी हम इस 1 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, a की पावर 0, क्योंकि हमें यहाँ पर समान आधार लाने होंगे तभी यह सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे a की पावर x प्लस 5 गुणा a की पावर 2x माइनस 1 और भागित a की पावर x और बराबर 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, a की पावर 0। अब देखिए a की पावर 0, अब देखिए यहां पे कि पावर में क्या होता है कि पावर गुणा में जुड़ती हैं और भागित में घटती हैं, तो गुणा में जुड़ती हैं और भागित में क्या होता है, माइनस होता है। तो अब देखिए गुणा में ये और ये गुणा में है तो ये पावर जुड़ जाएंगी, तो a की पावर x धन 5 और धन, अब ये जुड़ जाएंगी तो धन 2x ऋण 1, ये प्लस लगा दिया बीच में तो ये जुड़ गए, और ये भागित में है तो ये क्या होगी, माइनस हो जाएगी, भागित में तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, और बराबर कितना है, a की पावर 0, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए x प्लस का है और ये x माइनस का, कैंसिल आउट कर दीजिए कुछ नहीं। ठीक है, अब a की पावर कितनी बची, यहां पे 2x और 5 में से 1 गया तो बचे 4, तो के धन के बचे 4, तो 2x प्लस 4 और बराबर में क्या है, a की पावर 0। अब देखिए जब आधार बराबर है तो इनकी घातें बराबर होनी चाहिए, तो इसकी घातें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी 2x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी 2x बराबर 4 को इधर ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 4 और बटे में, ये गुणित में है तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 2 × 4 यानी माइनस के 2 आ गए, तो x बराबर -2, तो -2 यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए संख्या के वर्गमूल का दुगना,
संख्या के वर्गमूल का दुगना बराबर कितना है 42, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो संख्या के वर्गमूल का दुगना 42 है, तो संख्या का वर्गमूल क्या होगा, संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो ये दुगना था, तो दुगना मतलब दो गुना, यानी गुणा में दो, तो ये गुणा में दो है, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में दो हो जाएगा। तो संख्या का वर्गमूल कितना हो गया 42 और बटे में दो, क्योंकि ये दो गुना यानी दो गुणा में दो है, तो बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 41। अब 41 क्या है ये, सॉरी 21 हो जाएगा, ये क्या है 21 हो जाएगा, ये 42 था ना, 42 और इसको काटा तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 21 आ गया। तो 21 क्या है, संख्या का वर्गमूल आया, तो संख्या का वर्गमूल 21 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या बराबर, अब देखिए संख्या का जब वर्गमूल 21 है तो संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके वर्गमूल को वर्ग करेंगे, यानी 21 का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगी संख्या बराबर 21 × 21 = 441। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है, तो देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1,32,651 रुपये हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही आधार पर लगा। तो आपको पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, जब छमाही आधार पर लगाया है तो हम इसकी समय को छमाही में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.5 वर्ष की कितनी हो जाएंगी, 1.5 × 3 यानी 3 छमाही, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसमें समय बराबर क्या हो जाएगा, 3 छमाही, ठीक है। और इसमें प्रतिशत दिया है वार्षिक, तो इसकी दर जो है रेट क्या हो जाएगा, दर बराबर वार्षिक है तो इसकी आधी करनी पड़ेगी छमाही के लिए, तो 4/2 बराबर कितना हो गया, 2% अर्धवार्षिक, 2% क्या हो गया, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर हो गई इसकी। अब देखिए यहां पे, अब मजेदार बात देखिए, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 4% को जरा समझ लें हम, तो 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, ठीक है, 4% का मतलब 4/100 होता है। तो अब अगर मान लो इसको हम उसमें लिखें, 2% था यहां पे, हाँ ये देखिए यहां पे 2% हो गया ना, अब तो 4 कहां रहा, अब तो 2 हो गया, तो 2/100 है, तो यहां पे 2/100 है, तो 2/100 को हम काटेंगे, 2% का मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं, 2% बराबर 2/100, तो काटिए इसको, तो 50 बार कटेगा और यहां पे 1 आया, यानी कितना हो गया, 1/50, यानी 50 मूलधन है तो उस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 50 का कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 50 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 50 × 1 यानी 50 का 51 हो जाएगा, ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो अब इसी से कर ले, तो इसका सरल एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं, तो देखिए क्या है, 3 बार है, समय कितना है, 3 बार है, तो 50 50 50 3 बार रिपीट कर दो, और इधर 51 बन रहा है, 50 का क्या बन रहा है, 51, तो 51 51 और 51 को 3 बार रिपीट कर दो। अब इन तीनों का गुणा कर दो, 50 × 50 × 50 कितना होता है, 5 × 25 = 125 और 1 2 3 3 0 आ गए, और इसका गुणा करो वो 1,32,651 होता है, 1,32,651 होता है। वैसे आप ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हो, देखिए ट्रिक के द्वारा कैसे करोगे, 51 का क्यूब है तो हम x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे, x की वैल्यू 5 मान लेंगे, y की वैल्यू 1 मान लेंगे, तो x³ + y³ + 3x² + 3x² + y³ से लगाएंगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें y क्यूब तो यानी 1 का क्यूब 1 हो गया, और फिर हम लिखेंगे 3xy² तो 3 × 5 = 15 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 15 के कितने होंगे, 5, हाँ क्या है 1। अब हम लिखेंगे 3x² y तो 3 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 × 3 = 75, 75 × 1 = 75 और 75 और 1 हासिल का था तो ये हो गया 76, हाथ क्या है 7, और फिर 5 × 25 = 125 तो 125 × 7 = 132, यानी अगर आप डायरेक्ट इसको वैदिक मैथ से करोगे तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा, और वैसे अगर 51 का क्यूब याद कर ले तो और अच्छी बात है, तो 132 651 टैली हो रहा ना, 132 651 कब हो रहा है, जब आप मूल कितना ले रहे हो, 1,25,000 ले रहे हो, समझ रहे हो इस बात को, 3 साल में यानी 3 अर्धवार्षिक में है ना, 3 अर्धवार्षिक में 1,25,000 बन रहा है आपका, 1,32,651, तो यही तो उसने पूछा है कि यदि मतलब 1.5 वर्ष में निवेश की गई कितनी धनराशि जो है इतनी हो जाएगी, तो इतनी धनराशि इतनी हो जाएगी, ठीक है, तो 1,25,000 इसका ऑप्शन हो गया, तो 1,25,000 ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से अपने को करने हैं क्वेश्चन मतलब इस तरीके से करने हैं कि जिससे कोई भी मतलब आसानी से आप कर सके, कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 180 है तो भुजाएं निम्न होगी। तो अब देखिए इसको जरा करते हैं अपन, आसन्न भुजाएं हैं तो आसन्न भुजाओं के लिए क्या करेंगे, देखिए आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं, आसन्न भुजाएं मतलब बगल बगल की भुजाएं, ठीक है। तो आसन्न भुजाएं अगर 4:5 में हैं तो अगर हम इसको 4 की जगह 4x मान लें तो इसके बगल वाली 5x होगी, ये 4 तो ये 5, ठीक है। तो ये 4, अब चूंकि क्या है समांतर चतुर्भुज तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4x ये, तो 4x ये होगी और ये इसके सामने वाली 5x ये होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका परिमाप, तो परिमाप क्या है, परिमाप का मतलब पूरा परिक्रमा, तो इसका आपको पता भी होगा 2 × L+B करते हैं तो वैसे भी आ जाएगा, तो 5 × 4 = 9 × 2 = 18 और ऐसे अलग अलग जोड़ोगे तो 5 × 5 = 10 और 4 × 4 = 14 और 4 = 18, तो सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 18x बराबर कितना दिया है परिमाप 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 × 2, 10 बार काट दीजिए तो 10, तो x बराबर क्या आ गया, हमारा x बराबर आ गया 10। अब देखिए x बराबर 10 आ गया तो अब हमें क्या करना था इसकी, वो कह रहा कि तो भुजाएं निम्न होंगी तो अब 4x और 5x की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए 4x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 10 यानी 40 और 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 × 10 = 50, तो कितनी हो गई 50, तो कितनी हो गई 1 40 और 1 50, तो 40 और 50 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा 40 cm और 50 cm। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज है, देखिए एक रोम्बस है और उसका क्षेत्रफल कितना होगा जबकि उसके विकर्ण दिए हुए हैं, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसका, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और गुणा उनके जो विकर्ण हैं उनका गुणनफल, तो एक विकर्ण को हम D1 मान लें और दूसरे को D2 मान लें, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 गुणा D1 और गुणा D2, बस रख दीजिए फॉर्मूले में 1/2 और D1 कितना है 18 और D2 कितना है 12, काट दीजिए 2 ही 12 और 18 छिंग 800 यानी 108, तो 108 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल काय में होगा, वर्ग सेमी में होगा, वर्ग सेंटीमीटर, तो 108 वर्ग सेंटीमीटर यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 48 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3:2:1 है तो उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए एल से बताना है लेटरल सरफेस एरिया, तो अगर हम देखें तो इस तरह से घन होता है, तो घन इस तरह से होता है, तो लेटरल बताना है मतलब ये एक तो फ्रंट, ये वाला फ्रंट और एक बैक, इसका पीछे की साइड में जो बैक है, और ये अगल बगल यानी ये वाला और ये जो बगल में ये वाला है, तो ये आजू बाजू और आगे पीछे, ऊपर नीचे का नहीं लेना इसमें, ठीक है, आजू बाजू मतलब अगल बगल और सामने और पीछे, बस इतना ही लेना है और कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए, अब इसमें अगर लंबाई इसकी मान लें तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें क्या है, घनाभ में क्या दे रहा है कि 48 घन सेंटीमीटर आयतन है इसका, तो 48 घन सेंटीमीटर आयतन है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है LBH, तो अगर हम इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 3x 2x और 1x यानी x मान लें तो क्या होगा, देखिए L × B × H बराबर कितना दिया हुआ है हमें 48, अब L हमने कितना 3 यानी 3x और गुणा b कितना है 2 यानी 2x वेरिएबल ले लेंगे इसमें साथ में, और h यानी 1 है तो 1x यानी x और बराबर कितना है 48, तो अब इसको देख लीजिए 3 × 2 = 6 और 6x³ x × x × x कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, तो 6x³ = 48 काट दीजिए 6 × 6 = 6 8 = 48 यानी x³ = 8 है, तो x बराबर क्या होगा 8 का घनमूल ले लेंगे तो x = 2 आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर 2 आ गया, इसका मतलब हमारी लंबाई जो है वो कितनी हो गई, लंबाई हमने मानी थी 3x यानी 3 × 6, तो ये कितनी हो गई लंबाई 6 हो गई, ठीक है ये 6 यूनिट हो गई, ठीक है क्लियर हो गई। अब b देखें तो इसकी चौड़ाई कितनी थी, अपन ने कितनी ली थी 2x, तो 2x यानी कितना हो गया 2 × 2 यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। इसी तरह इसकी ऊंचाई देखें तो ऊंचाई हमारी 1x थी यानी x थी, तो x बराबर तो 2 ही था, तो ये 2 हो गई, तो ये हमारी ऊंचाई हो गई। अब देखिए, अब इससे बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है आमने और सामने, तो आमने सामने मतलब ये वाला इसकी लंबाई कितनी है
छः है और इसकी ऊंचाई कितनी है, दो है, तो इसको आगे और पीछे का है तो दोगुना कर दें, तो हम दोगुना करेंगे तो आगे और पीछे का क्या होगा, दोगुना करेंगे नहीं, दो से गुणा करेंगे, दो गुणा लंबाई और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, दो है, एक तो ये हो गई। अब हमें अगल बगल का लेना है, तो अगल और बगल में क्या है, देखिए अगल में इसकी चौड़ाई चार है और ऊंचाई दो है, यानी इसको क्या करना है और इसका दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इस तरफ और एक ये इस तरफ की बगल में, तो अगल और बगल की कितनी हो जाएगी, देखिए दो दुगनी कर दिया और गुणा चौड़ाई कितनी है चार और गुणा में ऊंचाई कितनी थी दो, तो अब इसको कर लीजिए कैलकुलेट, तो छः दूनी बारह दूनी कितना हो गया चौबीस, और यहाँ पे चार दूनी आठ दूनी सोलह, तो सोलह और चौबीस को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया चालीस आ गया, तो चालीस आ गया, इसका मतलब चालीस वर्ग सेंटीमीटर ही हमारी इसकी पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एल एस ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अनुपात निकालना है, तो जब कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और उसकी परिधि का अनुपात पूछा जाए, ठीक है, या त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए, तो इसका वर्गमूल ले लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, तो क्या करना है इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो 49 का वर्गमूल और अनुपात 81 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल 7 और 81 का वर्गमूल 9, यानी कितना हो गया 7:9, यानी ऑप्शन इसका 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:2 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप बताइए। तो अब देखिए एक चीज हमें समझनी है कि जो चारों क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, यानी चतुर्भुज जो होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और इसके कोणों का अनुपात दिया है, तो इसमें अनुपात में अगर हम x वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, तो और इन चारों कोणों को जोड़ें, तो अगर पहला कोण हमारा 3:7 में है तो इसको लिख लें 3x, दूसरा कोण है हमारा 7 तो 7x, और तीसरा हमारा है 6 यानी 6x, और चौथा है 2 यानी 2x, और अगर इन सब की हम एंगल्स को चारों एंगल्स को जोड़ें तो चारों एंगल का चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री, तो 7 × 3 = 10 = 16 और 2 = 18 कितना हो गया ये 18x, तो 18x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 और बटे में 18, काट लीजिए इसको, तो पहले तो इसको 9 से काट दो, 9 × 36 और 0 का 0, 9 × 2 = 18, अब इसका आधा कर दो तो 20 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 20 आ गया। अब इसने पूछा क्या है सबसे छोटे कोण का नाम माप, तो सबसे छोटा देखिए इसमें 3x 7x 6x और 2x में सबसे छोटा 2x है, तो हम लिखेंगे छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी कितना हो गया 2 गुणा और x की वैल्यू कितनी थी 20, यानी 20 × 40, तो 40 डिग्री इसका आंसर, यानी इसका ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए इसमें कहा है कि यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9000 है। अब देखिए 10% छूट सहित 9000 है, इसका मतलब क्या है कि 10% का मतलब क्या होता है 10/100, तो 10/100 का मतलब 1/10, यानी 10 पे एक छूट है, 10 यूनिट पे एक छूट है, कितनी छूट है एक छूट है, ठीक है, तो एक छूट में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 10 पे एक छूट दे रहा है, इसका मतलब बेच कितने में रहा, वो 9 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 9 में बेच रहा है, ठीक है, तो यही तो हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, एस पी यही तो हो गया, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, ठीक है, तो इसका मार्क्ड प्राइस बतानी है, तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालेंगे कि जब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, वो कह रहा है छूट सहित तो 9000 रुपये का पड़ा, इसका मतलब ये हमने जो 9 यूनिट निकाली ना, तो ये 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9000 रुपये है एक्चुअल में, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000 हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा के एक यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा छूट कितनी देर 1000, तो अब इस पे वो कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना था, मार्क प्राइस कितना था, तो 9000 में 1000 जोड़ दीजिए, तो 9000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 1 = 10000 आ जाएगा, यानी इसका जो अंकित मूल्य है 10000 हो गया, तो अब यहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 10000 का 10% 1000 छूट दी और उसको 9000 रुपये में बेचा, तो इस वक्त क्रॉस चेक भी आपका हो गया, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, देखिए
इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही बता देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपन समझ लेते हैं, जरा इसी से समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। कच्चे तेल का मूल्य की वृद्धि के कारण भारत में 10% की बढ़ जाती है कीमत इसकी। तो वृद्धि से पहले कीमत ₹70 थी। यदि खन्ना अपने काम के लिए MG रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार में जाते हैं जो 14 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज से प्रति माह लगभग 1000 किलोमीटर प्रति माह पड़ता है, तो गणना करें कि प्रभाव को अमान्य करने के लिए उसे कितनी यात्रा कम करनी पड़ेगी। तो इसको एक सीधे मोटे मोटे तरीके से समझ लें कि इसमें 10% है। तो अगर हम इनिशियल कंजम्पशन देखें उसका, तो इनिशियल कंजम्पशन कितना होगा कि प्रति माह उसको 1000 किलोमीटर जाना पड़ता। तो 1000 को अगर हम, चूंकि पहले भाव कितना था 70 था, तो 1000 गुणा 70, ठीक है, और उसका एवरेज क्या था, माइल कितना था, एवरेज कितना दे रही थी वो 14 का, तो बटे में 14 करेंगे तो इससे हमारे रुपए आ जाएंगे। कितने रुपए आए, 5000। तो अब इसका मतलब नई जो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो 70 रुपये था पहले, लेकिन अब 10% बढ़ गया, यानी 70 और 7 77 रुपये हो गया। तो 77 के भाव में हमें 5000 की वैल्यू पे हम निकाल लेते हैं कि कितना न्यू ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब इतनी रुपए में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगा। तो 5000 गुणा और 14 का एवरेज तो वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो बटे में 77 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 909 आएगा ये, ठीक है। तो 909 आया, इसका मतलब क्या था कि पहले वो 1000 किलोमीटर चल रहा था, अब उतने पैसे में वो 909 किलोमीटर चल पाएगा, यानी 1000 में से 909 घटा दें तो ये 91 किलोमीटर, यानी इसकी जो डिस्टेंस है यात्रा में कितनी कमी करनी पड़ेगी उसको, तो 91 किलोमीटर 91 किलोमीटर की इसमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने देखा, ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।